लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर और रोड के लिए दिया ज्ञापन। 5 अक्टूबर को लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने नगर निगम काशीपुर के पूर्व पार्षद व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब्दुल कादिर के नेतृत्व में सिंचाई विभाग काशीपुर के XEN का घेराव किया। पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर का कहना है कि नगर निगम काशीपुर पिछले 17 वर्ष पहले बनी पुरानी पूर्णता क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, जिस कारण से वहां की लगभग 50,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा राहगीरों के लाखों रुपए के वाहन बर्बाद हो चुके हैं तथा उस रोड पर लोगों के व्यापार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं जिनसे धूल मिट्टी का गुब्बार उड़ता रहता है, बरसातों में पानी भरा रहता और बहाना बनाया जाता है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क नहीं बना सकते या बजट का बहाना बनाकर बात को खत्म कर दिया जाता है। आज पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर की अगुवाई में क्षेत्र के सैकड़ों लोग सिंचाई विभाग काशीपुर के कार्यालय में आ धमके और सिंचाई विभाग के XEN से जल्द लक्ष्मीपुर माइनर निर्माण की मांग की, साथ ही माइनर से लगी मंजरा के निर्माण की मांग की एवं ढेला नदी में स्थायी पिचिंग बनाने की मांग की। अब्दुल कादिर का कहना है उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है तथा लगातार नगर निगम को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन इस सड़क को बनाने में सभी विभाग बहानेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। अब्दुल कादिर का कहना है कि यदि जल्द से जल्द लक्ष्मीपुर माइनर व लक्ष्मीपुर पट्टी मेन रोड के निर्माण के साथ ही ढेला नदी में पिचिंग का कार्य नहीं कराया जाता है तो वह जनता को साथ लेकर नगर निगम और सिंचाई विभाग के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और जल्द ही नगर निगम को भी जनता के साथ घेरा जाएगा। काशीपुर से खोजी कैमरा के लिए चांद खान की रिपोर्ट।